वेलकम लेट्स बिगिन 2.6 चेसिंग द सी मॉन्स्टर। चेसिंग मीन्स पीछा करना। एंड सी मॉन्स्टर्स मीन सी मीन्स समुद्र और मॉन्स्टर मीन्स राक्षस यानी समुद्री राक्षस का पीछा करना। ओके दिस लेसन इज एडाप्टेड फ्रॉम 20,000 लीग्स अंडर द सी बाय जूल्स वर्ने। यहाँ से ये लेसन लिया गया है। एक्चुअली सी चेसिंग द सी मॉन्स्टर, यहाँ पे चेसिंग द सी मॉन्स्टर के बारे में बताया है कि समुद्री राक्षस का पीछा करना, लेकिन यहाँ पे समुद्री राक्षस नहीं है, ये हमें लास्ट लेसन के एंडिंग में पता चलेगा। बहुत ही ह्यूमरस एंड है इस लेसन का। ओके लेट्स स्टार्ट। अवर फ्रिगेट वॉन्टेड टू गो बैक बट अनअर्थली एनिमल गेम एट अस विथ अ स्पीड डबल अवर ओन। वी गास्प्ड मोर स्टन्ड देन अफ्रेड। वी स्टूड म्यूट एंड मोशनलेस। फ्रिगेट, फ्रिगेट मीन्स स्मॉल, यहाँ पे दी मीनिंग दिया है स्मॉल स्पीडी शिप यूज इन वार, है ना। स्मॉल स्पीडी शिप यूज इन वार यानी छोटी शिप जो वार के लिए यूज की जाती है ना। बट अनअर्थली एनिमल्स, एक अनअर्थली एनिमल्स जो यानी पानी में रहता है, समुद्र में रहता है ना, ऐसा अनअर्थली एनिमल्स है जो हमारे जिस स्पीड से हम जा रहे थे उसी स्पीड से वो भी हमारे पीछे आ रहा था। वी गैप्स मोर स्टन्ड देन अफ्रेड। वी स्टूड म्यूट एंड मोशनलेस, जैसे हमने उसको देखे वैसे हम स्टन्ड हो गए हैं। यहाँ पे देखो अनअर्थली मीन्स स्ट्रेंज, एक ऐसा स्ट्रेंज एनिमल्स। एंड गास्प मीन्स टूक अ शॉर्ट एंड क्विक ब्रीथ थ्रू द माउथ, यानी क्विक ब्रीथ थ्रू द माउथ। एंड स्टन्ड वेरी सरप्राइज, स्टन्ड मीन्स वेरी सरप्राइज देन अफ्रेड। वी स्टूड म्यूट एंड मोशनलेस, हम बहुत ही ऐसे स्टूड खड़े हो गए, बहुत ही म्यूट यानी कुछ हम बोलने भी नहीं लगे, ऐसे मोशनलेस हम वहाँ पे उस अनअर्थली एनिमल्स को देखकर म्यूट और मोशनलेस हो गए। द एनिमल कॉट अप विद अस एंड प्लेड विद अस। एनिमल था वो हमें पकड़ रहा था एंड प्लेज विद अस, और हमारे साथ खेलने की खेल भी रहा था। इट मेड अ फुल सर्कल अराउंड द फ्रिगेट एंड रैप अस इन शीट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट वेयर लाइक अ ल्यूमिनियस डस्ट। देखो ये एनिमल है वो हमारा पीछा कर रहा था और हमारे फ्रिगेट को पूरा सर्कल उसने रैप भी किया था, सर्कल बनाया था। एंड रैप अस इन शीट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और उसने हमें शीट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से रैप भी किया था, और एक ऐसे ल्यूमिनियस डस्ट के जैसे दिख रहा था, यानी फुल ऑफ लाइट इसे दिख रहा था। एट एनी इंस्टेंट इट कुड हैव अ डैश अगेंस्ट अवर शिप। मीनवाइल क्या हुआ फिर उसके बाद, आई वॉज सरप्राइज टू सी दैट अवर वर्शिप वॉज फ्लिंग एंड नॉट फाइटिंग। आई कमेंटेड ऑन दिस टू कमांडर फैरागट। His face ordinary so emotionless and showed great astonishment। फिर थोड़ी देर में आई वॉज सरप्राइज, में बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया था। यहाँ पे फैरागट कमांड, यहाँ पे बोल यानी राइटर बता रहे हैं, टू सी दैट अवर वर्शिप वॉज फ्लिंग नॉट फाइटिंग, यानी क्या करना है, हम फाइटिंग भी नहीं कर सकते थे। आई कमेंटेड ऑन दिस टू कमांडर फैरागट। उसके बाद यहाँ पे जो राइटर है उन्होंने कहा है यहाँ पे कि उन्होंने फिर जो कमांडर फैरागट है उनको कमेंट किया, और उनके चेहरे पर ऑर्डिनरली सो इमोशनलेस शोड ग्रेट एस्टोनिशमेंट। उनके भी चेहरे में इमोशन लेस थे, वो शो ग्रेट एस्टोनिशमेंट, मैंने इस प्रकार से फीलिंग्स उनके भी चेहरे पर दिखाई दे रहे थे। प्रोफेसर एरोनैक्स ही आंसर्ड मी, फिर प्रोफेसर एरोनैक्स है उन्होंने उनका इस क्वेश्चन का आंसर दिया कि आई डोंट नो, कि मुझे पता नहीं कि व्हाट काइंड ऑफ फियरसम क्रिएचर्स, कि किस प्रकार का ये फियरसम क्रिएचर है, कितना भयानक है। आई डोंट नो, आई एम अगेंस्ट, आई डोंट वॉन्ट माई फ्रिगेट रनिंग फुलिश सी
risk in all this darkness. And I am against or my stay opposite who, and I don't my frigate or I don't running foolish risk कि इस अंधेरे में कि ये मेरी जो छोटी सी फ्रिगेट है इसको मैं कैसे चलाऊं, है ना. बिसाइड हाउ शुड वी अटैक दिस अननोन क्रिएचर, और किस प्रकार से मैं इस अननोन क्रिएचर से को मैंने अटैक करूं. वी शुड वी डिफेंड अवर सेल्फ अगेंस्ट इट, और किस प्रकार से इस अनअर्थली क्रिएचर से मैं खुद का बचाव करूं. लेट्स वेट फॉर डे लाइट एंड देन आई वी विल प्ले अ डिफरेंट रोल, डिफरेंट रोल कि दिन होने दो उसके बाद हम कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे. द होल क्रू स्टेड ऑन देयर फीट ऑल नाइट लॉन्ग, नो वन इवन थॉट ऑफ स्लीपिंग. देखो क्या हो गया था, क्योंकि पूरे रात भर कोई भी सोया नहीं था, उसी के बारे में सोच रहा था. अनेबल टू कंप्लीट विद अ मॉन्स्टर स्पीड एंड अवर फ्रिगेट अब्राहम लिंकन स्लोड डाउन एंड फॉर इट्स पार्ट द एनिमल मिमिक द फ्रिगेट सिंपली रोड विद द वेव्स बट डिड नॉट लीव द फील्ड ऑफ बैटल. फॉर इट्स पार्ट द एनिमल मिमिक द फ्रिगेट, एनिमल भी जैसे फ्रिगेट अपना स्पीड बढ़ा रहा था वैसे भी ये एनिमल भी अपना स्पीड बढ़ा रहा था. जिस तरह से वो रुक जाते थे वो फ्रिगेट भी रुक जाती थी. सिंपली रोड विद वेव्स एंड डू नॉट लीव द फील्ड ऑफ ब्लैक बैटल, लेकिन उसने भी जो फ्रिगेट थी उसने भी अब बैटल नहीं छोड़ा और ये हमारी जो एनिमल है उसने भी नहीं वो बैटल फील्ड छोड़ रहा था और नहीं हमारी फ्रिगेट. हाउएवर नियर मिडनाइट, मिडनाइट होने के बाद इट डिसअपीयर्ड, वो जो अनअर्थली क्रिएचर है डिसअपीयर्ड हो गया. और टू यूज अ मोर एप्रिशिएट एक्सप्रेशन, इट वेंट आउट लाइक अ ह्यूज. यहाँ पे देखो व्यूज जूल्स वर्न है, ये फ्रेंच राइटर है और ये फादर ऑफ साइंस फिक्शन के लिए बहुत ही फेमस है. उन्होंने रॉकेट, स्पेस ट्रैवल, सबमराइन इस प्रकार की कुछ ऐसी चीज़ें भी लिखी है. और इस पैसेज में ये जो नॉवेल है 20,000 लीक्स अंडर द सी, यहाँ से ये पैराग्राफ लिया गया है. और ही डिस्क्राइब हाउ पीपल ऑन अ शिप थिंक ऑफ द सबमराइन एज एन एनिमल ट्राई टू चेस एंड हंट इट. और उन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है कि जो शिप है कि सबमराइन ये एक एनिमल को यहाँ पे माना गया है और वो उसको चेस करते हैं और उसको हंट भी करते हैं. अभी यहाँ पे देखो कि वो जो मिडनाइट केस में वो डिसअपीयर्ड हो गया था और वो एक ऐसे ग्लो वार्म की तरह दिख रहा था. एंड हैड इट फ्लेड फ्रॉम अस वी डोंट नो एंड वेयर फील्ड विथ फियर होप एट द सेम टाइम. बट 1253 अ डिफेंडिंग हिस कुड बी हर्ड रिजेम्बलिंग द साउंड मेड बाय स्प्राउट एक्सपेल विथ ट्रिमेंडस इंटेंसिटी. अभी क्या होता है कि वो एक अर्थली क्रिएचर ग्लोवॉर्म के जैसे दिखाई देता है. हैड इट फ्लेड फ्रॉम अस, और हमें कुछ सब किसी को भी कुछ पता नहीं रहता है, हम सब डरे हुए रहते हैं. होप एट द सेम टाइम फियर एंड होप मैंने पूरे इसमें डरे हुए और कुछ ऐसी होप लिए हुए रहते हैं. फिर 1253 को क्या होता है, एक डिफेनिंग हिस जोर से हिस के जैसे आवाज आती है. रिजेम्बलिंग साउंड मेड बाय अ वाटर स्प्राउट एक्सपेल विथ ट्रिमेंडस इंटेंसिटी, है ना. पानी में ऐसे जैसे फवारे कैसे उड़ते हैं, फवारे उड़ने के बाद कैसे आवाज होता है, वैसे आवाज एक हिस के जैसा जोरदार आवाज उनको सुनाई दिया. उसके बाद देन कमांडर फैरागेट नेडलैंड एंड आई वेयर ऑन द आफ्टर डेक पियरिंग ईगरली इन टू द डार्कनेस. अभी कमांडर फैरागेट नेडलैंड और यहाँ पे जो राइटर है जूल्स वर्न ने ये वेयर ऑन द आफ्टर डेक, ये सब आफ्टर डेक पर चले गए और वहाँ से वो ईगरली इन टू द डार्कनेस ने अंधेरे में देख वहाँ वे बहुत ही ईगरली ऐसे देख रहे थे कि आवाज़ कहाँ से आई, यानी ये कौन सा एनिमल है, ये वहाँ से वो देख रहे थे. आफ्टर डेक यानी क्या होता है, डेक मीन्स क्या होता है, एन ओपन डेक नियर द बैक, यानी फ्रिगेट की जो बैक साइड रहती है वो ओपन रहती है. वहाँ पे से वो डार्कनेस की तरफ देख रहे थे. टेल मी नेडलैंड इजंट दैट अ नॉइज़ सेटासिंस मेक मे दिस बर्ड वाटर फ्रॉम देयर
ब्लो होल्स। और यहाँ से नेड लैंड क्या कहते हैं कि वो जो नॉइज़ ये सेटासिन्स का ही नॉइज़ है और वो अपने ब्लो होल से पानी को स्पुर्ट कर रहा है, वाटर स्पुर्ट कर रहा है। स्पर्ट मीन्स गश आउट इन अ सडन यानी फोर्सफुल स्ट्रीम के साथ वो पानी को ऊपर है कर यानी छिड़क रहा है मैंने अपने ब्लो होल से। द वेरी नॉइज़ बहुत हो रहा है सर, बट दिस वंस वे लाउडर सो देयर कैन बी नो मिस्टेक। यहाँ पे बोल रहे हैं कि वेरी नॉइज सर, दैट्स वन वे लाउडर कि कितना आवाज है। सो देयर कैन बी नो मिस्टेक, देयर्स डेफिनेटली अ वेल लर्किंग इन अवर वाटर्स। और वो उन्होंने सोच लिया कि क्या है कि वहाँ पे एक वेल है और वो लर्किंग इन अवर वाटर्स और वो पानी में लर्किंग यानी हाइडिंग, लर्किंग मीन्स हाइडिंग, वेल पानी में छुपी हुई है। नियर 2 o'clock 2 बज जाते हैं मॉर्निंग के, द कोर ऑफ लाइट रीअपियर्ड और लाइट रिपेयर हो यानी रीअपियर हो जाता है, कोर ऑफ लाइट रीअपियर 5 miles अवे फ्रॉम द अब्राहम लिंकम। और हमारे अब्राहम लिंकम ये 5 miles अवे तक ही रहने दूर तक रहती है। वी स्टेड ऑन द अलर्ट अंटिल डे लाइट गेटिंग रेडी फॉर एक्शन। वी स्टेड ऑन द अलर्ट अंटिल डे नाइट, पूरे दिन के जो लाइट में वो पूरे अलर्ट रहते हैं और गेटिंग रेडी फॉर एक्शन और एक्शन लेने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। वेलिंग गियर वॉज सेट अप अलॉन्ग द रेलिंग्स एंड आवर चीफ ऑफिसर लोडेड द ब्लंडर बुशेस। वेलिंग द गियर यानी वेलिंग द गियर वॉज सेट अप अलॉन्ग द रेलिंग्स। देखो यहाँ पे अभी जो वेल है उसको गियर लगाने उसको पकड़ने के लिए भी उन्होंने यानी ये क्या वेलिंग गियर्स मीन्स इक्विपमेंट यूज टू हंट वेल्स यानी वेल्स को मारने के लिए जो इक्विपमेंट्स यूज करते हैं ना वो सब उन्होंने तैयार रखे थे। Our chief officer loaded the blunder bushes which can launch harpoons as far as miles. A long duck guns we exploit bullets that can hold about and kill even the most powerful animals. अभी जैसे harpoons means क्या होता है? A long and sharp weapon attached to a long rope and thrown by hand or shot from a gun. है ना, एंड एज लॉन्ग डक गन्स विथ एक्सप्लॉइट बुलेट्स कैन वाउंड एंड किल मोस्ट पावरफुल एनिमल्स यानी समुद्र में जो एनिमल्स रहते हैं उनको मारने के लिए कुछ बुलेट्स हार्पून्स ये सब उन्होंने इसकी तैयारी रखी थी उन्होंने। नेड लैंड वॉज कंटेंट टू शार्पन हिज हार्पून्स अ ड्रेडफुल वेपन्स इन हिज हैंड। नेड लैंड ये जो कमांडर थे वो भी वॉज कंटेंट टू शार्पन हिज हार्पून्स, उनके हाथ में भी ये शार्प हार्पून्स थे, ड्रेडफुल वेपन्स इन हिज हैंड्स। एट 6 o'clock जैसे ही 6 o'clock बजते हैं दे बिगैन टू ब्रेक एंड विद द डॉन अर्ली लाइट द एनिमल्स इलेक्ट्रिक ग्लो डिसअपियर्ड। एट 7 o'clock अ वेरी डेंस मॉर्निंग मिस्ट स्प्रेड अराउंड अस, अवर बेस्ट स्पाई ग्लासेस वेर अनेबल टू पियर्स इट, द आउटकम डिसअपॉइंटमेंट एंड एंगर। जैसे 6 बज जाते हैं दिन निकल जाता है वैसे ही क्या होता है कि जो एनिमल्स की इलेक्ट्रिक ग्लो रहता है वो डिसअपियर हो जाता है दिन के उजाले में। फिर 7 o'clock में डेंस मॉर्निंग में हो जाने सवेरे मॉर्निंग में मिस स्प्रिट ऑल अराउंड अवर बेस्ट स्पाई ग्लासेस। स्पाई ग्लासेस मीन्स अ स्मॉल टेलीस्कोप। स्पाई ग्लासेस मीन्स स्मॉल टेलीस्कोप यूज बाय अ सेलर इन द पास्ट एंड वेयर अनेबल टू पियर्स इट एंड आउटकम डिसअपॉइंटमेंट एंड एंगर। फिर उसके बाद 8 o'clock बज जाते हैं द मिस्ट स्टोल अवे एंड द होराइज़न ग्रू वाइडर एंड क्लियरर। Suddenly, Ned Land voice could be heard. There's a thing in question. Astern to port, the harpoon shouted. Every eye looked towards the point indicated. फिर 8 बज जाते हैं वैसे ही मिस ट्रोल करने होता है। उसके बाद सडनली क्या होता है कि नेड लैंड्स एक वॉइस सुनते हैं एंड देयर इज अ थिंग इन क्वेश्चन एस्टर द हार्पून शाउटेड एवरी आई लुक द
हार्पून शाउटेड, उन्होंने हार्पून्स यहाँ पे क्या दिए, वन हु हैंडल द हार्पून्स। एंड एस्टन टू पोर्ट मीन्स, यहाँ पे एस्टन टू पोर्ट आया, देखो एस्टन टू पोर्ट, देयर अ माइल एंड हाफ फ्रॉम द फ्रिगेट अ लॉन्ग ब्लैकिश बॉडी इमर्ज अ मीटर अबोव द वेव्स क्वियरिंग वायलेंटली इट्स टेल वॉज क्रिएटिंग अ कंसिडरेबल करंट। अचानक क्या हो जाता है, एक ब्लैकिश बॉडी उनके सामने वेव्स देने से मीटर अबोव वेव्स लिए हुए क्वियरिंग वायलेंटली करते हुए एक बॉडी सामने आ जाती है उनके फ्रिगेट के सामने। अब यहाँ पे क्वियरिंग मीन्स ट्रेवलिंग और शेकिंग, इट्स टेल वॉज क्रिएटिंग अ कंसिडरेबल करंट, यानी वो अपनी वो जो क्रिएचर्स रहता है वो अपने पूछ ऐसे क्वियरिंग वायलेंटली करके उनके सामने आ जाता है। द क्रू वेटिंग इम्पेशेंटली फॉर ऑर्डर्स फ्रॉम देयर लीडर, द लैटर आफ्टर केयरफुली ऑब्जर्विंग द एनिमल ऑर्डर द इंजीनियर टू सेल फुल स्ट्रीम टूवर्ड्स द एनिमल। यहाँ पे क्रू वेयर वेटिंग इम्पेशेंटली फॉर ऑर्डर्स फ्रॉम लीडर, अभी जैसे ही एनी क्रिएचर सामने आ जाता है ऐसे वैसे ही जो फ्रिगेट पर जो कमांडर्स थे वो रेडी हो जाते हैं, है ना, और वो फॉर दे द क्रू वेयर वेटिंग इम्पेशेंटली फॉर ऑर्डर्स फ्रॉम देयर लीडर्स, के जो लीडर के ऑर्डर के इम्पेशेंटली वेटिंग करते हैं। द लैटर आफ्टर केयरफुली ऑब्जर्विंग द एनिमल ऑर्डर द इंजीनियर टू सेल फुल स्ट्रीम टूवर्ड्स द एनिमल, फिर उस एनिमल्स को वो ऑब्जर्व करने के बाद उन इंजीनियर रहते हैं वो टू सेल अ फुल स्ट्रीम टूवर्ड्स द एनिमल्स, यानी वो ऑर्डर देते हैं। दिस चीयर ग्रीटेड हिज ऑर्डर द ओवर अ बॉटल हैड साउंडेड, है ना, थ्री चीयर्स ग्रीटिंग ग्रीटेड हिज ऑर्डर्स, यानी थ्री चीयर्स होने के बाद द ओवर ऑफ बैटल हैड साउंडेड एंड फ्यू मोमेंट्स लेटर, और उसी के बाद कुछ क्षणों के बाद क्या हो जाता है, अब्राहम लिंकन हेडेड स्ट्रेट फ्रॉम द एनिमल अनकंसर्न्ड लेटर लेट अस कम नियरर इट गॉट अप अ लिटिल स्पीड एंड केप्ट इट डिस्टेंस, यानी कुछ ही क्षणों में के बाद जो अब्राहम लिंकन रहते हैं वो हेडेड स्ट्रेटेड फ्रॉम द एनिमल and concert the latter let us come nearer and it got up little speed and kept it distance, ki thodi hi der ke inhe us par yani jo unearthly creature jahan pe rehta hai uske thodi hi yani kam distance par inki ye frigate wahan pe wo inhe late hain। सेल फुल स्टीम मीन्स सेल एट फुल स्पीड, यानी सेल एट फुल स्पीड, फुल स्ट्रीम मीन्स फुल स्पीड। दिस चेस ड्रैग ऑन फॉर अबाउट थ्री क्वार्टर्स ऑफ एन आवर विदाउट अ फ्रिगेट गेटिंग एनी क्लोजर टू द सी एनिमल, एट दिस रेट इट वॉज ऑब्वियसली दैट वी वुड नेवर कैच अप विद इट। अभी ये जो चेस थे वो अभी भी चलता ही आ रहा था, थ्री क्वार्टर्स ऑफ एन आवर विदाउट फ्रिगेट गेटिंग द एनी क्लोजर, जैसे जैसे ही हमारी फ्रिगेट उस एनिमल के क्लोजर जा रही थी वैसे ही वो भी आगे आगे जा रहा था, एंड एट दिस रेट इट वॉज ऑब्वियस दैट वुड नॉट नेवर कैच अप विद इट, और यानी हम उस एनिमल्स को कैच अप नहीं कर पा रहे थे। अब्राहम लिंकन गैदर्ड स्पीड बट सो डिड एनिमल, दिस वेंट ऑन फॉर द नेक्स्ट आवर, अब्राहम लिंकन वॉज नाउ स्पीडिंग सो मच दैट इट मास ट्रेम्बलिंग डाउन टू देयर ब्लॉक्स। अब अब्राहम लिंकन अपने स्पीड गैदर्ड की बट सो द डिड एनिमल दे वेंट ऑन द फॉर नेक्स्ट आवर, अब्राहम लिंकन वॉज नाउ स्पीडिंग, जैसे अब्राहम लिंकन अपनी स्पीड बढ़ा रहा था वैसे भी क्रिएचर्स भी अपना स्पीड बढ़ा रहा था, और जैसे ही स्पीड कम कर रहे थे वैसे ही स्पीड कम हो यानी कर रहे थे, इस तरह के ये जो चेस था ये चल रहा था। आई कैन डिस्क्राइब द एक्साइटमेंट दैट शूक द वेरी बिग नेड लैंड स्टेट एट हिज पोस्ट हार्पून इन हैंड सेवरल टाइम्स एनिमल लेटस अप्रोच देन जस्ट हार्पून वॉज अबाउट टू स्ट्राइक द सेटस इन गुड स्टीन ऑफ सेफ्टी। यहाँ पे देखो कि
नेडलैंड भी हारपून्स हाथ में लिए पूरे अभी बैटल करने के लिए यानी बैटल फील्ड में आए हुए थे. एंड सेवरल टाइम्स एनिमल्स क्या लेटेस्ट अप्रोच एंड द जस्ट हारपून वाज अबाउट टू स्ट्राइक. जैसे ही वो सेटासिन्स को यानी अटैक कर रहे थे द सेटासिन पुल्ड स्टील ऑफ स्विफ्टली. स्टील ऑफ मीन्स मूव अवे, यानी जो सेटासिन्स था वो मूव कर रहा था. एंड कमांडर फारागेट देन डिसाइडेड टू यूज मोर डायरेक्ट मेथड्स. कमांडर फारागेट ये डिसाइड किया उसने बाद में कि इसके लिए अब हम डिफरेंट मेथड यूज करेंगे. बा ही सेड सो द एनिमल इज फास्टर दैन द अब्रा लिंकम ऑल राइट मेट मैन द गन इन द बो. फिर उन्होंने कहा कि कमांडर फारागेट ने कि ये एनिमल से बहुत ही फास्टर है हमारे अब्राहम लिंकम से. ऑल राइट मेट, यहाँ पे मेट कहा है तो मेट यानी कौन होते हैं जो बाकी जो कमांडर्स रहते हैं फारागेट के साथ जो फ्रिगेट पे थे उनको मेट कहा गया है. मैन द बी गन इन द ब्लो. अवर फोरकास्टल कैनन वॉज इमीडिएटली लोडेड एंड लेवर. यहाँ पे देखो कि हमारा ये फोरकास्टल है कैनन वॉज इमीडिएटली लोडेड और लेवर्ड हो रहा है. एंड कैनोनियर फेयर्ड अ शॉट बट ही शेल पास सम फीट अबाउ द सेटासिन वी स्ट्रेट हाफ अ माइल ऑफ. यानी वो कह रहे कि हमने जो कैनोनियर मीन्स वन हु फायर्स द कैनन, वन हु फायर्स द कैनन यानी जो फायर शॉट रहते हैं क्या बोलते हैं बारूद वगैरह ऐसे ये जो शेल्स वो सेटासिन्स के ऊपर आक्रमण ने पास वन फीट अबो द सेटासिन्स के पास से हो रहे थे कि विच स्टेट हाफ अ माइल ऑफ. फिर भी ये जो सेटासिन है उसको कुछ भी नहीं हो रहा था. ओवर टू समबडी विद बेटर एम द कमांडर शाउटेड. फिर कमांडर शाउटेड हो गए कि $500 टू द मैन कैन पियर्स द इन्फर्नल बीस्ट. अब इन्फर्नल बीस्ट मीन्स टेरिबल बीस्ट यानी ये है कि ये बहुत ही मैन कैन द मैन हु कैन पियर्स द इन्फर्नल बीस्ट. The calm of an eye, cool of feature, and old grey beard gunner, I can see him to this day, approached the cannon, put in the position, took aim for a good while. There was a mighty explosion mingled with cheers from the crew. अभी काम बहुत ही ऐसे उनकी आंखों में ऐसे calm of eye, features cool, and old grey beard gunner, I can see him to this day, and approached the cannon, put in his position. और उन्होंने टुक एम फॉर अ गुड वाइल एंड देयर वाज अ माइटी एक्सप्लोजन एंड मिंगल विद चीयर्स विद द क्रू. और देयर वाज अ माइटी एक्सप्लोजन उन्होंने किया और वह पूरे इसमें यानी क्रू के इसमें क्या बोलते हैं मिंगल विद चीयर्स और पूरे एक ऐसे जोर यानी आक्रमण करने के बाद उन्होंने कैसे आवाज़ निकाली ना वैसे वैसे उन्होंने आवाज़ निकाली. द शेल रीच इट्स टारगेट और द शेल उन्होंने अपना टारगेट पकड़े. उन्होंने एनिमल को हिट किए बाउंस ऑफ किए और राउंडेड सरफेस किया और वैनिश इनटू द माइल्स आउट किया. ओल्ड रॉड सेड द ओल्ड गनर इन हिज एंगर दैट मॉन्स्टर मस्ट बी कवर्ड विद 6-inch आर्मर प्लेट. देखा हंट वॉज ऑन अगेन फिर से उन्होंने आक्रमण किया. आवर आफ्टर एन आवर वेंट बाय विदाउट एनिमल शोविंग द लीस्ट साइन ऑफ वियरनेस. इट मस्ट बी सेड दैट वी टू स्ट्रगल ऑन टायरलेसली. और वो बहुत ही द हंट वॉज ऑन अगेन फिर से उन्होंने हंटिंग करना शुरू किए. हाफ एन आवर चला हो गया फिर ऐसा लग रहा था कि वो एनिमल सभी थक कर एक जगह पर वो खड़ा है यानी वहाँ पे वो स्टिल हो गया है. इट मस्ट बी सेड दैट वी मस्ट स्ट्रगल ऑन टायर्डनेस और ऐसा लग रहा था कि वो अभी फाइटिंग यानी बैटल फील्ड में फाइटिंग करके वो अभी वेरीनेस फील कर रहा है और वहाँ पे वो स्टिल हो गया है. 11:50 इन द इवनिंग इवनिंग के 11:50 में इलेक्ट्रिक लाइट रीअपियर्ड हो गए 3 miles अवे थ्री गेट से और सब कैसे क्लियर दिख रहा था. इंटेंस एज द नाइट बिफोर द मॉन्स्टर सीम मोशनलेस. अब ये जो मॉन्स्टर था ये बहुत ही मोशनलेस जैसे दिख रहा था एंड वो
वॉज इट अस्लिप परहैप्स वेरी फ्रॉम इट्स वर्क डे, यानी ऐसे लग रहा था कि दिन भर उसने बहुत स्ट्रगल किया और वो अभी थक गया है और सो गया है. जस्ट राइटिंग विद द वेव्स दिस वार दिस वॉज अवर चांस. कमांडर फैरागट डिसाइडेड टू टेक फुल एडवांटेज ऑफ इट, ही गेव हिज ऑर्डर. और इसी ही कमांडर फैरागट ने उसका एडवांटेज लिया और उसने अपने जितने भी कमांडर्स थे मेट्स थे उनको ऑर्डर दे दिए. द फ्रिगेट अप्रोच विदाउट मेकिंग अ साउंड स्टॉप टू केबल लेंथ फ्रॉम द एनिमल. फ्रिगेट अप्रोच विदाउट, फिर उन्होंने विदाउट मेकिंग अ साउंड उन्होंने टू केबल लेंथ जो फ्रॉम एनिमल्स से अप्रोच किए. उन्होंने प्रोफाउंड साइलेंस रेन ओवर द डेक पर, यानी डेक यानी जो पिछले भाग रहता है शिप यानी फ्रिगेट का जो ओपन वहाँ पे आए, वहाँ से उन्होंने 100 feet पर एक ब्लेजिंग कोर ऑफ लाइट का ये किए और हुज ग्लोज ग्रू स्ट्रॉन्गर एंड डैजल द आईज. और वहाँ से उन्होंने निशाना वहाँ से लगा रहे थे. जस्ट देन लीनिंग ओवर द फोर कोस्टल रेलिंग आई सॉ नेड लैंड बिलो मी ब्रैंड डिशिंग हिज ड्रेडफुल हार्पून्स बेयरली 20 feet सेपरेट हिम फ्रॉम द मोशनलेस एनिमल. लेकिन क्या हो गया कि फोर कोस्ट रेलिंग जैसे नेड लैंड देख रहे थे कि बिलो मी उन्होंने ब्रैंड डैशिंग जो ड्रेडफुल हार्पून्स उन्होंने किए वो उन्होंने छोड़े थे ड्रेडफुल हार्पून्स वो 20 feet सेपरेट जो मोशनलेस एनिमल थे वो 20 feet सेपरेट वहाँ तक ही पहुँच गया था. एंड ऑल एट वंस वन शॉट फॉरवर्ड एट द हार्पून्स बोन्स लॉज. और एक हार्पून्स उन्होंने शॉट फॉरवर्ड किया था और वो जो हार्पून्स उन्होंने लॉन्च किया था. आई हर्ड अ वेपन मेक अ रिंगिंग साउंड एंड इट हैज अ हार्ड सब्सटेंस. और आई हर्ड अ वेपन वो कह रहे कि यहाँ पे कि आई हर्ड अ वेपन मैंने वो जो वेपन्स शस्त्र देखे इन्हें सुने थे उसका जो रिंगिंग साउंड होता है कि इट हैड हिट सम हार्ड सब्सटेंसेस कि वो कुछ ऐसे हार्ड सब्सटेंस को लगा है. द इलेक्ट्रिक लाइट सडनली वेंट डाउन और जो क्रिएचर्स की इसमें जो इलेक्ट्रिक लाइट थी वो सडनली चली गई. एंड टू इनॉर्मस वाटर स्प्राउट क्रैश इन टू द डेक ऑफ द फ्रिगेट. और बहुत पानी के ऐसे जैसे वाटर स्प्राउट कैसे रहते हैं ना ऐसे फवारे के जैसे वैसे पूरे पानी में हमारे फ्रिगेट के ऊपर भी फैल गए. एंड रेसिंग लाइक अ टॉरेंट फ्रॉम वन एंड ऑफ द शिप टू द अदर एंड ट्रॉपलिंग क्यूमेन ब्रेकिंग स्पेयर मास एंड यार्ड आर्म्स फ्रॉम देयर फ्लैशिंग. और कुछ हमारे शिप का जो कुछ भाग था पार्ट था वो भी ब्रेक हो गया उसका भी डैमेज हो गया. और द हाइडियस कोलिजन ऑकर्ड एंड थ्रोन ओवर द रेल विद नो टाइम टू कैच होल्ड ऑफ इट आई वॉज हर्ड इन टू द सी. और ये जो हाइडियस कोलिजन था ये किसी ये जो जिसको हम एनिमल्स कह रहे थे क्रिएचर्स कह रहे थे लेकिन वो एनिमल्स नहीं था क्रिएचर्स नहीं था तो ये एक ऐसी सबमराइन ऐसी छोटी सी क्या बोलते हैं फ्रिगेट ही थी कि जो पानी के अंदर ऐसे जाती है और वो हमारा पीछा कर रहे थे. आई हैज हर्ड इन टू द सी. यहाँ पे ये दिस लेसन इज एडाप्टेड फ्रॉम 20,000 लीग्स अंडर द सी बाय जूल्स वर्न. इन्होंने दिया है कि यहाँ पे जिस चेसिंग मॉन्स्टर दिया है तो यहाँ पे मॉन्स्टर नहीं रहता तो यहाँ पे एक छोटी फ्रिगेट रहती है सबमराइन रहती है कि जो पानी से जाती है. और जैसे जैसे अब्राहम लिंकन यानी उनकी यानी जून वर्न की जो यानी यहाँ राइटर की जो शिप रहती है उसका वो पीछा करती रहती है. ओके अंडरस्टैंड दिस लेसन थैंक यू.